नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और आज ये बैठक होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की। विधानसभा चुनाव पर रणनीति पर मंथन होगा। एमपी छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। विनीत, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, कितनी खास ये बैठक होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे, कितनी खास, क्या कुछ चर्चाएं, क्या कुछ मंथन, बताइए। जी ऋतु, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अगर विधानसभा चुनावों के बारे में बात करें तो उसमें 2-3 महीने का समय है, लेकिन इसके पहले ही बीजेपी इस बार नया प्रयोग करना चाहती है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि चुनाव के घोषणा के पहले ही बीजेपी जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर लेना चाहती है और ऐसे सीटों पर खासतौर पर जो चर्चा होगी, ऐसे सीटों पर की चर्चा होगी जहां पर बीजेपी जो है कमजोर है। हालांकि पार्टी का यह साफ तौर पर मानना है कि पार्टी का वहां पर संगठन काफी मजबूत है, पार्टी का नेतृत्व काफी मजबूत है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात जो है वो लगातार की जाती है और कई विधानसभा चुनावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीता जाता है, तो मजबूत नेतृत्व की बात में की जा रही है। साथ ही साथ ऐसे सीटों की चर्चा की जा रही है जहां पर बीजेपी कमजोर है। पिछले चुनाव में बीजेपी कम अंतर उन सीटों को हार गई थी या फिर ऐसी सीटों को जहां पर बीजेपी कम अंतर से हारी थी उन सीटों पर विधानसभा की जो सीट है उस पर चर्चा की बात जो है वो यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो एक नया प्रयोग यह भी करना चाह रही है कि 2-3 नाम जो हमें सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि कमजोर सीटों के 2-3 नाम को वो चुन लेना चाहती है। और हालांकि वो उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष तौर पर बताया जा सकता है कि अगर वो आखिरी समय में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं या फिर जो मौजूदा छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं उनको जनता के बीच प्रभावी ढंग से ले जा सके तो उनका टिकट जो है वो पक्का हो सकता है। इसकी भी जो चर्चा है वो यहां पर की जा सकती है। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो एक नया प्रयोग करने जा रही है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवारों के टिकट को लेकर के की जाती थी, अब जो उसकी बैठक जो है वो चुनाव के 2-3 महीने पहले ही की जा रही है, जिसे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय चुनाव समिति के 15 लगभग सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे और इन सीटों को लेकर के मंथन होगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो काफी आक्रामक तौर पर अपने चुनाव अभियान को जो है वो शुरू करने में चाह रही है। हालांकि प्रचार के माध्यम से तो बीजेपी आक्रामक तौर पर शुरू कर ही चुकी है, लेकिन अब उम्मीदवारों को लेकर के भी बीजेपी जो है वो आक्रामक तौर पर काम करना चाहती है और इसीलिए जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो पहले ही की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का साफ तौर पर मानना है, अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें कि बीजेपी पिछले 15 साल में, हालांकि अगर हम पीछे 5 सालों की बात करें तो बीजेपी सरकार में नहीं थी, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि उसके पहले के 15 साल बीजेपी वहां पर सरकार में रह चुकी है और संभावना जो है वो बीजेपी की वहां पर काफी है। तो बीजेपी इसलिए अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक देना चाहती है और अगर बीजेपी का यह मानना है कि अगर केंद्र सरकार के अगर कामकाज को लेकर के जनता के बीच में जाया जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के जनता के बीच में जाया जा सके और साथ ही साथ प्रदेश में सरकार भूपेश बघेल की विफलता को लेकर के जनता के बीच में जाया जा सके तो चुनाव जो है वो जीत सकती है और टक्कर में जो हो सकता है चुनावी जो रणनीति के तहत जो बीजेपी मुकाबले में आ सकती है और चुनाव जीत सकती है। इसी को लेकर के बीजेपी जो है वो अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है चुनाव के लगभग 3 महीने पहले ही यहां पर कर रही है। जी ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ। 17 से लेकर 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर दावेदारों के आवेदन लिए जाएंगे। मंगलवार को प्रत्याशियों को लेकर मैराथन चली है। बैठक के बाद पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा ने
कहा है कि प्रत्याशियों का चयन चुनौती भरा काम है। हर ब्लॉक से एक से लेकर पांच पैनल का नाम मांगा गया है। शैलजा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी प्रत्याशी के नाम का फैसला करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होगी। अमूमन सबकी राय यही थी कि दो चीज होनी चाहिए, निष्ठा पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति, और दूसरा विनेबिलिटी, जीतना और पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति निष्ठा। अभी हमने जो बात की है, शुरुआत में आवेदन लेने हैं, आवेदन केवल और केवल, ये मीडिया नोट कर ले और आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुंच जाएगी ये बात, केवल और केवल ब्लॉक्स में आवेदन दिए जाएंगे, हम लोग कोई आवेदन नहीं लेंगे। 31 तारीख तक सब आवेदन पत्रों के साथ PCC में जमा करवा देंगे। 31 तारीख आखिरी तिथि होगी, देखते हैं, प्रयास करेंगे। ये एक बार हमारे पास आने दीजिए, स्क्रीनिंग कमेटी भी आएगी, सब बैठकर फैसला करेंगे। प्रयास होगा कि कुछ नाम हम पहले। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, प्रत्याशियों की सूची को लेकर के बड़ा बयान जो है कुमारी शैलजा ने दिया है। देखिए, पिछले दिनों जब कुमारी शैलजा लगातार कांग्रेस भवन में अलग अलग जिलों के लोगों से मिल रही थी, तो उस दौरान भी जो लोग मिलने आ रहे थे वो अपने दावेदारी भी लेकर आ रहे थे, अपना बायोडाटा लेकर आ रहे थे। और जाहिर तौर पर अब कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद ये स्पष्ट किया गया है कि यहां पर राजीव भवन में कोई आवेदन नहीं लिए जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जो है वो आवेदन जमा करना पड़ेगा। जिन्हें लगता है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें अपने पूरे बायोडाटा के साथ, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो पूरी डिटेल उन्हें डालनी पड़ेगी। ये कहा गया है कि छोटी छोटी जानकारियां जो है वो उन्हें देनी पड़ेगी, चाहे वो आपराधिक रिकॉर्ड से लेकर हो, चाहे वो कोई और पुराना प्रकरण हो, ये तमाम चीजें, और अभी वर्तमान में क्या है वो, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, इस तरह की तमाम जो जानकारी है वो देनी पड़ेगी। दूसरी, एक से लेकर पांच नामों का जो है वो पैनल होगा, और इस पर कुमारी शैलजा से पूछा भी गया था कि कैसे सिलेक्शन होगा, स्क्रीनिंग कमेटी को दिक्कत भी हो सकती है, इसी को लेकर उन्होंने कहा था कि डिटेल में जानकारी मांगी गई है और उसी के आधार पर जो है वो चर्चा की जाएगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 31 अगस्त तक PCC में ये तमाम आवेदन पहुंच जाने चाहिए और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो छटनी करेगी। 50% जो लोग हैं वो 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको संगठन और सत्ता में जगह की बात कही गई थी, तो जाहिर तौर पर इस बार पार्टी जो है वो कोशिश यही करेगी, जो कल चुनाव समिति की बैठक में भी मंथन किया गया कि उम्मीदवार जो है वो युवा चेहरे खासतौर पे वो भी हो सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि कौन कौन से चेहरे ऐसे हैं जिन्हें वापस जो है वो जगह मिलती है और कौन कौन से नए चेहरों को जो है वो नई जो उम्मीदवारी दी जा सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लगातार नजर पार्टी रखी हुई है, लगातार सर्वे करा रही, तो ब्लॉक स्तर पे जो सर्वे मिलेंगे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, उपचुनाव के दौरान जिन लोगों ने जोर लगाया था, ये तमाम फैक्टर्स जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात के जरिए लोगों से मिल रहे थे, जनप्रतिनिधियों की जानकारी ले रहे थे, वो एक सर्वे है, तो ये और PCC का अपना सर्वे है, तो इन तमाम सर्वे के जरिए जो है वो आने वाले समय में प्रत्याशी का चयन होगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो एक दिमाग में लोगों के था कि कहां कैसे जो है आवेदन जमा करना है, कैसे अपनी उम्मीदवारी जो वो को लेकर वो एक तरह से कह सकते उम्मीदवार दावेदारी कर सकते हैं, तो उसको लेकर स्पष्ट हो गया कि ब्लॉक स्तर पे ही आवेदन जमा करने हैं और उसके बाद में PCC में एक साथ 31 अगस्त तक जो है वो आवेदन आएंगे। तो जाहिर तौर पर जो लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई है कल चुनाव समिति की बैठक में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जिलों का दौरा करेंगी। कुमारी शैलजा अपने दौरे की शुरुआत आज बिलासपुर से करने जा रही हैं। कुमारी शैलजा बिलासपुर में बिलासपुर, कोटा, बिल्हा, तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, बेलतरा और मस्तूरी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी और विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। कुमारी शैलजा 17 अगस्त को जांजगीर चांपा और 18 अगस्त को कोरबा जिले का दौरा करेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से दो दिनों तक बस्तर के दौरे पर रहेंगे। भूपेश बघेल जगदलपुर में आज बस्तर संभाग के युवाओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। जगदलपुर के काकतीय पीजी कॉलेज के मैदान में सीएम भूपेश बघेल युवा के साथ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पर चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में कांग्रेस के संकल्प शिविर में शामिल होंगे। वे यहां कार्यकर्ताओं को माइक्रो बूथ मैनेजमेंट का प्रशिक्षण भी देंगे। पूरे संभाग के युवा निश्चित रूप से यह कार्यक्रम भव्य हो गया होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को और युवाओं की जो मांग है, जो बातें हैं, उन बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और पूरा करेंगे और युवाओं को अपना संदेश भी देंगे। क्या लग रहा है? और रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे स्वास्थ्य कर्मी। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। 21 अगस्त से हड़ताल पर जाएंगे स्वास्थ्य कर्मी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी। राज्य के 11 स्वास्थ्य संगठन एकजुट होकर हड़ताल करने जा रहे हैं। वेतन विसंगति, कोविड इंसेंटिव, अवकाश का भुगतान की मांग इनके द्वारा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, स्वास्थ्य सुविधाएं एक बार फिर से चरमराने वाली हैं क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। छत्तीसगढ़ में हड़ताल का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक कर्मचारी संगठन को मनाते हैं तो दूसरा रुक जाता है और अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ये इंसेंटिव अवकाश का भुगतान, IPHS सेटअप की स्वीकृति, भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के हिंसक पर रोक को लेकर के तमाम ये जो मांग है उसको, 5 सूत्री मांगों को लेकर के 11 स्वास्थ्य संगठन है ये एकजुट होकर सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। 21 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी है तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य महकमे में एक बार फिर से जब आंदोलन में चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और इस तरह से धरना प्रदर्शन का दौर लगातार संगठनों से, कर्मचारियों की वर्गों से लगातार जारी है क्योंकि सब कर्मचारी जानते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में अपनी मांगों को रखने और उसे पूरा करवाने का यही मौका है। तो यही वजह है कि लगातार कर्मचारी संगठन है वो आंदोलन की ओर रुख कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। रेल यात्रियों की फिर परेशानी बढ़ गई है। रायपुर से गुजरने वाली 9 ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। रेल लाइन में मरम्मत के कारण ट्रेन रद्द की गई है। बिलासपुर रायगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द की गई है। टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द की गई। टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस रद्द की गई है। गोंदिया छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनल एक्सप्रेस रद्द की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ वासियों की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि मरम्मत का काम चल रहा है और कई सारी ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक के मरम्मत का काम कर रही है, अधोसंरचना के काम कर रही है ताकि ट्रेनों की जो रफ्तार है वो बढ़ाई जाए और यही वजह है कि ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की वजह के चक्कर में कई ऐसी ट्रेनें हैं, महत्वपूर्ण ट्रेनें, जिनको रद्द किया जा रहा है। आज से लेकर 23 अगस्त तक यानी कि 7 दिनों तक ये 9 महत्वपूर्ण ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई है। खास करके अगर हम बात करें तो रायपुर डोंगरगढ़, रायपुर दुर्ग, गेवरा रोड से लेकर रायपुर और इसके साथ ही बिलासपुर डोंगरगढ़, ये जो महत्वपूर्ण जो ट्रेनें हैं शेड्यूल, ये जो महत्वपूर्ण ट्रेनें इनको रद्द कर दी है। इन ट्रेनों में रोजमर्रा नौकरी पेशा के जो लोग हैं वो यात्रा करते हैं, मध्यम वर्ग
निजी जो लोग हैं वो यात्रा करते हैं, ऐसे में इन ट्रेनों को रद्द करने से कहीं ना कहीं उनके ऊपर भार पड़ रहा है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय है वो या तो कार का सहारा नहीं ले सकता है या किराए के कार पे या बस पे सफर नहीं कर सकता है, लिहाजा उनको सबसे सरल अगर सस्ता जो लगता है वो ट्रेन यात्रा सस्ता लगता है। लेकिन लगातार इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, एक बार फिर से 9 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक अभी भी लगातार ट्रेनों को रद्द करने का जो सिलसिला है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का वो जारी है। ये वो ट्रेनें हैं जो छत्तीसगढ़ को आपस में जोड़ती हैं और यहाँ के जो लोग हैं पेशेवर नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं वो ये इस ट्रेनों का सहारा लेते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफी तकलीफ हो रही है, परेशानियां जो है वो यात्रियों की लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर रेलवे कर देता तो शायद इनकी जो समस्या है वो हल हो जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रेलवे ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की हो ताकि इन यात्रियों को कोई सहारा मिल सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश। रायपुर से बड़ी खबर है, अभनपुर में चाकूबाजी की वारदात हुई है, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चाकूबाजी में एक आरोपी भी घायल है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, आखिर क्या है पूरा मामला बताइए। जी ऋतु, ये पूरा मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है जहाँ चाकूबाजी हुई है और इस चाकूबाजी में 6 लोगों ने मिलकर जो है कि युवक पर ये चाकू चला दिया है, जिससे वह जो युवक है बुरी तरह से घायल हो गया और गंभीर अवस्था में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में चाकूबाजी के मामले में 5 आरोपी को अभनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इन आरोपी में से एक आरोपी इस घटना में घायल भी हुआ है, जिसे पुलिस अभिरक्षा में उसे शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और नजर रखा गया है। और ये पूरा जो मामला है आपसी विवाद बताया जा रहा है, पूरे मामले की पड़ताल में अभनपुर पुलिस लग गई है। आखिर किस वजह से चाकूबाजी हुई है और चाकूबाजी की घटना को लेकर वहाँ हड़कंप मच गया था। हालांकि पुलिस ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। जी ऋतु जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शेख इमरान। धमतरी से बड़ी खबर की बात करेंगे, नहर में बांध का पानी आने के बाद बच्चों का जानलेवा स्टंट देखने को मिला है। 20 फीट गहरे और पानी के तेज बहाव में बच्चे छलांग लगा रहे हैं। 2 दिन पहले रुद्री बैराज में डूबने से एक बच्चे की मौत भी हुई थी। बच्चों के खतरनाक स्टंट पर किसी का भी ध्यान नहीं है। तैरना आता है बेटा उन लोग। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही।